गौरवण साक्षी ब्लॉग पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं चार धामों में से पहले धाम गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड का पहला धाम है। तो उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर की दूरी पर आता है मुनेरी डैम, जो कि बहुत ही खूबसूरत डैम है, देखने लायक है। और आगे हर्षिल आएगा, लगभग उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है गंगोत्री धाम। तो हम आज निकले हैं पहले धाम की यात्रा पर। तो कुछ देर हमने मुनेरी डैम पर समय बिताया, फिर आगे बढ़ चले और रास्ते में हर्षिल बहुत सुंदर घाटी आती है। तो हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। जय गंगा मैया, गंगोत्री धाम की जय हो। ठंड नहीं लगती, भक्त जन नहाने लिए तैयार है ठंडे पानी से। गंगा माता गंगा मैया च पानी लगता है। दर्शन करके आते हैं फिर लेके जाएंगे। कितनी दूर है मंदिर? जी भैया तो किया ना भी नहीं नहाना था, माड़ा जो पीछे सेट होया भैया का, नहीं तो कहते थे टिप टिप वाली चाह वांगू नहाना। नहीं नहीं नहीं, इतना ठंडा पानी मैं जा नहीं सकता। गुरु जी देखा तो चढ़े अपने कड़े चढ़े खाते गुरुजी ने हटना नहीं कटना पैना मार ते खाते ने चिरवड़ा जूस खाता खाता चिरवड़ा। हर्षिल घाटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत स्थान है गंगोत्री, जहाँ गंगा माता का ये उद्गम स्थान है। तो यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो हमने काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करवाई। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, केवल मोबाइल में से ही रजिस्ट्रेशन देखकर उन्होंने हमें ओके कर दिया और हम आगे बढ़ चले खूबसूरत यमुनोत्री धाम के मंदिर की ओर। तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मार्केट बनी हुई है दोनों तरफ, जैसे हरिद्वार में खूबसूरत दुकानें हैं, जल भरने के लिए अलग अलग सुंदर सुंदर बर्तन रखे हुए हैं। तो ये अमर सिंह थापा द्वारा बनाया गया यहाँ मंदिर है, जो गोरखा रेजिमेंट के हेड थे। तो बहुत ही बढ़िया ये धार्मिक रमणीक स्थान है गंगोत्री, जहाँ प्रभु श्री राम के पूर्वज राजा भगीरथ ने तपस्या की थी गंगा माता को धरती पर उतारने के लिए, उनके पूर्वजों का मोक्ष करने के लिए। तो तभी से गंगा का नाम भगीरथी पड़ गया। तो हम अब चलेंगे उस पावन मंदिर की ओर और भगीरथी में पहले स्नान भी करेंगे। तो हमारे साथ आप भी सभी स्नान करना और गंगा माता के दर्शन करना। तो बहुत ही प्यारी जगह है, जब भी आप आए आप हर्षिल भी रुक सकते हैं। क्या है ये? तेजबल टिमरू। अच्छा, तेजबल है ये टिमरू। टिमरू क्या करते हैं इसका? इसको जो है कहीं इसका उपयोग है। हाँ जी। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इसका जो घर की जो चौखट के उसके ऊपर जो है इसको बांधते हैं। अच्छा। और जैसे जो है बाहर कोई नजर आग तो जादू टोना घर में प्रवेश नहीं करता। इसके छोटे से भी इसको बांधना है? हाँ, छोटे से बड़े से जो अपनी इच्छा है। ये तो कोई हाथ में भी रखते हैं संत लोग। अच्छा अच्छा काटा टिम ए ना नज तेज वाला किस किस काम के लिए? ये घर के चौखट के ऊपर बांधते हैं। हम तो खैर पूरा 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 लंबा सा बना बांध देते हैं। अच्छा, दूर वाले को कितने का है ये? 20 रुपए का। आते टाइम लेके जाते हैं।
नजर तो नजर बस कर दी चौखट ते बंद तेज वाला आप दुर्बल बेबी करेंगे करेंगे सर। और कोई स्पेशल चीज हो? ये क्या है डिब्बी में? ये वाले ये धूप है जी, गाय का गोबर है, देवदार का बोरा है। हां हां ये मंदिर जा रहे तो प्रसाद लेके जाओ। ये प्रसाद कितनी दूर है मंदिर? 100 मीटर प्रसाद लेके जाइए, थोड़ा ठीक भी लगेगा हाथ में। गंगोत्री धाम के चारों ओर सुंदर सुंदर चील और देवदार के पेड़ हैं और बीच बना हुआ ये खूबसूरत स्थान यमुनोत्री, जहाँ पर गंगा का उद्गम हुआ है। गंगा यहाँ से निकलती है और ऊपर यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है गोमुख, जो बर्फीला एक ग्लेशियर है जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। तो बहुत ही खूबसूरत ये मार्केट का दृश्य। कितने का है ये? 300 रुपए। चारों 300 के? यहाँ पर 20 फुट ऊंचा खूबसूरत व्हाइट कलर का मंदिर बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत मार्केट। यहाँ पर तुलसी और रुद्राक्ष की माला बनाई जाती है, ये देख सकते हैं आप, सुंदर तुलसी और रुद्राक्ष की माला यहाँ की बहुत फेमस है। तो आइए अब चलते हैं स्नान करने के लिए ठंडे ठंडे पानी से, ग्लेशियर की जलधारा ठंडे पानी से, भागीरथी के ठंडे ठंडे जल में अब स्नान करेंगे। ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗਈ ਹਿੰਮਤ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲਓ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਭਗਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲੀਤ ਮੇ ਹੀ गंगा भागीरथी का जल बहुत ही ठंडा है। पहले तो बहुत ही डर लग रहा था, जब भी पैर पानी में डालते तो एक बार मन करता था कि ना नहाए, फिर हिम्मत करके नहाना शुरू किया। गंगा जी के उद्गम स्थान पर तो विशेष स्नान नहाने का ही महत्व है, पुण्य है। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है पहले स्नान करता है, फिर पूजा करता है और फिर दर्शन करता है। जब आप नहाने लग जाते तो फिर आपका मन करता है कि नहाते जाएं। तो मैंने भी डुबकियां लगाई और प्रभु श्री शंकर भगवान का नाम लिया।
भगीरथी मैया, पापों का नाश करनी और जीवन को तारनी वाली भगीरथी मैया, जय गंगे मैया। आज हम धन्य हो गए, तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ भगीरथी नदी के और गंगोत्री धाम के। यहाँ से गंगा माता का उद्गम स्थान है, तो अब हम पूजा करें। पंडित जी आ मिल जाते हैं, जो आपको और आपके परिवार की हाजिरी गंगा माता के भवन पर लगाते हैं और पूजा बड़े अच्छे ढंग से कराते हैं। तो इस यहाँ पर पेन भी भराए जाते हैं, तो अपने पूरे जो आपका परिवार है या जो आपके पूर्वज हैं, उन्होंने भी कोई गलती को पाप किया हो तो उसका निवारण यहाँ होता है। तो जैसे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के पाप का निवारण हेतु यहाँ पर तप किया था शिवजी भगवान का और गंगा नदी को यहाँ पर उतारा था, तो उसी प्रकार यहाँ पर नहाकर पहले पूजा करने का विधि है और उसके बाद गंगा माता के दर्शन किए जाते हैं। तो अब गंगा माता मंदिर में गंगा जी के दर्शन करेंगे। तो ये सामने है खूबसूरत भव्य गंगोत्री धाम, गंगा जी भगीरथी का अलौकिक मंदिर। तो यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, हम भी लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही रमणीक जगह है, यहाँ पर अलग प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर आकर जो हमने महसूस किया, तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर वाइट कलर का, लगभग 20 से 25 फुट ऊंचा बना हुआ बहुत ही भव्य मंदिर है। तो आप सभी व्यूअर भी हमारे साथ दर्शन कीजिए इस अलौकिक, इस पवित्र गंगोत्री धाम के। यहाँ से आपको सभी को जय गंगे माता की। तो हम यहाँ पर लगभग 2 घंटे रुके और यहाँ पर मेन मंदिर के आसपास भी कुछ छोटे छोटे बहुत खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात, ये जगह ही बहुत ही खूबसूरत, रमणीक, बड़ी प्यारी जगह है। लगभग 6 घंटे जहाँ बिताकर हम वापसी की ओर उत्तरकाशी की ओर चल पड़े। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप जब भी यहाँ आए तो थोड़ा समय निकाल कर आएँ। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, आगे हर्षिल में भी रुक सकते हैं। मई जून में किवाड़ खुल जाते हैं अप्रैल में, मई जून बहुत ही आने का बढ़िया समय है। अगस्त सितंबर में भी आ सकते हैं। तो कुछ देर हमने यहाँ एक होटल में बैठकर कुछ खाना वगैरह लिया और फिर आगे निकल पड़े सुंदर और खूबसूरत वादियों में। रास्ते में भी बहुत खूबसूरत वादियाँ, काफ़ी जगह आती हैं जहाँ पर आप रुककर फोटोग्राफी कर सकते हैं, कुदरत का आनंद ले सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी जगह है। लगभग 2 से 3 दिन का प्रोग्राम आप बनाएं, जब भी आप हरिद्वार से गंगोत्री आना हो तो 4 धाम करने हो तो भी 2-3 दिन जरूर निकालें। रास्ते में बहुत सारी आप लोकेशन, खूबसूरत लोकेशन आपको मिलेंगी जहां पर आप रुक कर आपका मन करेगा कि यहां पर कुछ समय जरूर बिताएं।
तो हमने भी जगह जगह रुककर बहुत हसीन कुदरत की वादियों में कुछ समय बिताया और कुछ पिक्स लिए। तो आप सभी को हमने चार धाम की यात्रा दिखाई। पहले आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री का व्लॉग भी दिखाया और अब ये गंगोत्री का एक व्लॉग आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया, और भी खूबसूरत वीडियो पारिवारिक व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट साक्षी व्लॉग चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जय गंगे माँ।